सवे भवंतु सुखिन। कैसा रे तराजू तेरा, सबका नसीबा जहां तुलता है। भाग दो, जो गुरु उपदेश के अनुरूप हो ग्रहण करें। बचती नहीं जैसे एक हाथ से ताली, जैसे केवल एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। उसी तरह बिना घर्षण के, बिना परिश्रम के अग्नि उत्पन्न नहीं हो सकती है। उसी तरह से बिना कर्म और ज्ञान के, संयोग के ना ही सांसारिक लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है और ना ही आध्यात्मिक लक्ष्य ही प्राप्त किया जा सकता है। बिना ज्ञान के किया गया कर्म अंधेरे में बिना लक्ष्य के तीर चलाने के समान है, बिना लक्ष्य के हवा में तीर चलाने के समान है, हवाई किला बनाने के समान है, रेत के घर बनाने के समान है, जो कि एक बच्चों के खेल की तरह है। जैसे कि किसी जंगल में आग लगी हो, उस जंगल से बाहर निकलने के लिए एक ही मार्ग हो और उसमें एक अंधा और एक लंगड़ा फंसा हो, तो यदि अंधा और लंगड़ा दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे तो उस आग से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आग से बाहर निकलने के लिए अंधे को लंगड़े को कंधे पर बैठाना ही होगा और लंगड़े के कहे अनुसार ही चलना होगा। यदि अंधा लंगड़े का सहारा लेता है और उसके निर्देश मानता है, उसके निर्देश के अनुसार चलता है, तो ही वह जंगल में लगी हुई आग से सुरक्षित बाहर निकल सकता है। तो यह संसार भी एक अग्नि के घेरे की तरह है, जिससे बाहर वही निकलता है जो ज्ञान के अनुसार कर्म करता है, जो ज्ञान रूपी नेत्रों से संयुक्त होकर ज्ञान के अनुसार कर्म करता है, जो ज्ञान का सहारा नहीं लेता, जो ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं करता, वह जन्म मरण के चक्र से भी नहीं छूटता। जैसे अंधे को आग से बाहर निकलने के लिए लंगड़े के नेत्रों की आवश्यकता है, लंगड़े के निर्देशों की आवश्यकता है, उसी तरह एक अज्ञानी को ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान साधन है मुक्ति पाने के लिए, लेकिन पंगु है, साधक ज्ञान रूपी साधन का उपयोग करते हुए मुक्त हो सकता है। मर्जी तेरी ना हो क्या पाए सवाली, यानी कि जैसे कोई किसी से किसी स्थान का पता पूछ रहा हो और जिनसे पता पूछ रहा हो वह भी उस भटकते राही की तरह उस स्थान से अनजान हो, तो जब तक सही रहबर यानी के सत्य पथ प्रदर्शक नहीं मिल जाता, तब तक ऐसे मनुष्य भटकते ही रहते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि पता मिलता ही नहीं और खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। जैसे कि कोई पत्र डाक से भेजता है, तो डाकिये को पता नहीं मिलने पर वापस वह डाक भेजने वाले को वापस भेज दी जाती है। उसी तरह से जब तक पाप कर्म समाप्त नहीं होते, शुभ सत्कर्म संचित नहीं होते, तब तक वास्तविक रूप से धर्म पथ की यात्रा अधूरी ही रहती है। जिन मनुष्यों के पुण्य कर्म, शुभ सात्विक कर्म अधिकतम होते हैं और पाप कर्म न्यूनतम होते हैं, तो ऐसे मनुष्यों का जन्म धर्मवान परिवारों में होता है। और जिस मनुष्य के कर्माशय में पुण्य कर्म शुभ सत्कर्म की भरमार हो जाती है, तो सत्य ज्ञान के द्वार स्वतः ही उसके लिए खुल जाते हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध महावीर स्वामी ने दीर्घ अवधि तक साधना द्वारा अपने जीवन से पाप कर्मों को पुनर्तः स्वाहा कर दिया था, इंद्रियों के विषयों से पृथक हो गए थे, विकारों को स्वाहा कर दिया था, यानी कि निर्विषयी निर्विकारी निष्पाप बन गए थे और वे ज्ञान रूपी अमृत की वृष्टि से सराबोर हो गए थे, शांति के सागर बन गए थे, करुणा के सागर बन गए थे, दया के सागर बन गए थे, आनंद के सागर बन गए थे। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म का एक प्रसंग है। लगातार 3